अलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। हाँ अच्छा, मैंने ये पूछना था कि आप अभी उधर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी आइसोलेशन है पूरी? आइसोलेशन है यहाँ टिल 1 मई। ठीक है, ठीक है, 1 मई तक आइसोलेशन है। अच्छा, मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसमें तो मुझे लग रहा था कि हम बोंगियाँ ही मार रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक प्रोफेशनल को ले लिया जाए ऑन बोर्ड और उससे ज़रा पूछ लिया जाए। तो पहले तो मैं सिचुएशन अभी जो है वो देख लेते हैं क्या है। ये मैंने खोली हुई ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ सारा अपडेट हो रहा है, तो चाइना के तो मेरे ख्याल से अभी 80 बढ़े हैं, लेकिन हैं उनके काफ़ी, 81,000 केसेस थे जिसमें से काफ़ी कुछ रिकवर हो चुके हैं। इटली 64,000 के करीब है, यूएसए 46,000 है, स्पेन 40,000, जर्मनी जो है वो 30,000 है, ईरान तकरीबन 25,000 पे है, और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट पहुंच गया है 1,000 के करीब, 900 करीब, 900 1,000 है, करीब, हो हाँ जाएगा कल तक 1,000 हो जाएगा। समथिंग हाँ, सही है। तो मैंने कहा इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को कुछ नहीं पता कि ये कितना सीरियस है, तो आपकी क्या इस पे राय है कि ये कितना सीरियस है? देखें, जब किसी डिजीज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैंडेमिक डिक्लेयर करती है ना, तो वही इट सेल्फ थ्रेटनिंग और अलार्मिंग हो जाता है। सबसे पहले तो आम आदमी को ये समझ जाना चाहिए यार, ये पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक वो डिजीज होती है जो कई ममालिक में फैल जाए, यानी एक तो होता है एक कंट्री, उसकी किसी सिटी में, फिर एक कंट्री के अंदर फैलती है, उसे एपडेमिक कहते हैं। और जब एक कंट्री से ज्यादा ग्लोबली ये डिस्पर्स कर जाए कोई डिजीज, उसे पैंडेमिक कहते हैं। और ये हिस्ट्री में दूसरी दफा आप कह लें कि हुआ है, कि आज से कोई 100 साल पहले ये पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ था और अब हुआ है। तो ये इट सेल्फ लोगों को ये समझाने के लिए कि भाई दिस इज नॉट ए फ्लू, दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज, दिस नॉट ए सिंपल नमोनिया, दिस इज समथिंग एल्स। तो इट्स अ वेरी सीरियस, और इसमें सबसे ज्यादा जो चीज लेग कर रही है, आप इंटरेस्टिंगली जरा देखिएगा, चाइना में स्टार्ट हुआ और चाइना के डिजिट अभी भी आप जैसे बता रहे हैं कि 81,000 है। अच्छा, बट सबसे ज्यादा डेथ्स कहाँ हुई है? इटली में 6,000 प्लस में, राइट? अच्छा, अब इसको आप जरा सोचेंगे व्हाई हाउ। अब आप ये देखें कि चाइना में जैसे ही ये वायरस आता, अच्छा दुनिया में ये याद रखें कि जब भी कोई नया वायरस आता, कोई कंट्री उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, नंबर 1, ठीक हो गया, ठीक है ना? उसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल होती, क्योंकि आज से पहले उसके बारे में पता ही नहीं होता। बिल्कुल। सो चाइना में जब ये आया दिसंबर में, जनवरी तक तो उन्हें पता लगता गया कि यार ये आ गई है, तो इन जनवरी उन्होंने लॉकडाउन कर लिया वुहान को, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, जी लॉकडाउन किया। उसके बाद उन्होंने तमाम, और लोगों ने भी कोऑपरेट किया, लोगों को घरों में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट, और विद इन अ फ्यू डेज उन्होंने हॉस्पिटल भी बनाए, लोगों ने कोऑपरेट भी किया, डायग्नोज हुआ, और उन्होंने क्या किया, लोगों को लिमिट करने के साथ साथ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग एंड टेस्टिंग स्टार्ट की, ठीक हो गया। और लोगों को एक दूसरे से मिलने का रोक दिया। अच्छा, इसके मुकाबले में आ जाए, और आप सोचें कि उन्होंने वुहान में वो लॉकडाउन खत्म कर दिया पिछले कुछ दिन पहले ही, गुड़े। यानी आपके सामने एक चाइना की एग्जांपल है जहां ये डिजीज आई, उसको डेथ हुई, सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्टेड भी हुए, बट उन्होंने मुकाबला किया, हैंडल किया वेल। नाउ आप इसको दूसरी तरफ ले जाए, इटली क्लासिकल, बट मैं दोनों को सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, वो उससे हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। जी इटली वालों ने तो बड़ा, गवर्नमेंट ने भी बड़ा कैजुअल लिया शुरू में, और लोगों का एटीट्यूड भी जैसे बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानियों का एटीट्यूड है। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने कोई गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शन थी, डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शन थी कि जी आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, किसी ने कोई उसको सीरियस नहीं लिया। और अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं कि जब एक बार स्टार्ट हो गया इन्फेक्शन, ये फैल गया, तो उसके बाद ना गवर्नमेंट काबू कर पा रही है, ना लोग काबू कर पा रहे हैं। इवन उनका प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये कहता है कि हम इंसानों के बस में जो कुछ था कर लिया, अब तो अगर आसमान कुछ करे तो करे। यू सी, ये हेल्पलेसनेस। बिल्कुल डेवलप्ड कंट्री हॉस्पिटल हमसे ज्यादा लाखों दर्जे वो होंगे, ये तो एक मैं सिनेरियो बता रहा था। इसमें हमारे लिए सबक है कि जिस कंट्री ने उसको सीरियस लिया वो सक्सेसफुल हुआ, जिसने नहीं लिया वहां तबाहकुन हालात थे। और यही हालात अब आप ये देखिएगा, इस पैटर्न को अमेरिका फॉलो करेगा, वाई अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इसको बिल्कुल उसी तरह नॉन सीरियस लिया जिस तरह इटली वालों ने। सबसे ज्यादा अभी आप देखिएगा, पिछले 5-6 दिनों में अमेरिका 3rd नंबर पे आ गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। आप साथ साथ आप देखिएगा ऊपर, ये पहले जो 5-6 कंट्रीज हैं, इनमें स्पेन, यूके, इटली, सब
यूरोपियन सिविलाइज्ड वेल डेवलप्ड, क्या चीज ने इनको मारा है, कैजुअल एटीट्यूड ने, बिल्कुल ऐसा ही है, और पाकिस्तान में तकरीबन नोज ऐसा ही ही से। है, पाकिस्तान में भी ऐसा अच्छा ही अब है। आपको मैं बताता हूँ ऐसा ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो गया, अब इसको हम ऐसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि लोगों को समझ आना शुरू हो कि ये चीज क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो आ जाए कि व्हाट इज कोरोना, द कोरोना वायरस। बिल्कुल अच्छा हमारे यहाँ भी बड़े लोगों में कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, किसी ने डिटोल की बोतल पकड़ ली और उसके ऊपर लिखा हुआ कोरोना वायरस, तो उन्होंने कहा भाई ये तो यार डिटोल बेचने वाला अमेरिका की साजिश थी यार, ये तो फाइनेंशियल हमारे साथ स्कैम हो गया। अब बेसिकली कोरोना वायरस इज अ फैमिली और ये 19 आई थिंक 60s अर्ली में आ गए थे, और इसके बहुत सारी हैं, बीच में सार्स आया था और वायरस का। तो एक फैमिली के अंदर डिफरेंट स्ट्रेन आते हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे आते हैं आपके ना उस ठीक वायरस हो के। गया। ये तो चाइना में आया कोरोना वायरस फैमिली है उसकी, इसका नाम है COVID-19। व्हाट डज मीन COVID-19? CO कोरोना, VI वायरस, डी डिजीज, 19 2019, COVID-19। ओके तो ठीक है। बेसिकली जब हम अभी बात कर रहे हैं COVID-19 की बात कर रहे हैं, कोरोना इन जनरल कहा जाता है, तो कोरोना कब से था दुनिया में, इट्स नॉट न्यू, बट उसको ये स्ट्रेन ये टाइप न्यू था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये अब आ जाएंगे, ये वायरस है, एक नया वायरस है आ गया, इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जो इसका स्प्रेड रेशियो है ना एक्सट्रीम है, अच्छा बहुत तेजी से रैपिड फैलता है। सही है। अब सादा लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि जी कोरोना क्यों खतरनाक है या COVID-19 क्यों खतरनाक है, आप ये सोचेंगे अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है, ठीक है, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड ये कह लेंगे एक आदमी की बॉडी में जब जाता है तो 14 days लगते हैं कि जब ये वायरस अपना असर दिखाता है, अपना घर बनाता है, वहां रहता है, सिम्टम्स आते हैं, उस दौरान क्या करता है वो आदमी अपने आप को हेल्दी फील कर रहा होता है, वो घूमता है। उन्हें एवरेज स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि एक आदमी एक दिन में 10 लोगों को इफेक्ट कर सकता है, अच्छा 10 लोगों को कर सकता है, और नॉर्मल मिनिमम, जो ये ऑन एवरेज, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेस भी हो और सकते जो हैं। अब नॉर्मल सोचें कि नॉर्मल जो फ्लू होता है वो कितने को करता है, जो नॉर्मल फ्लू होता है अच्छा जो... देखिए, अब नॉर्मल फ्लू जो है ना वो आपका उसका स्प्रेड रेशियो इससे इंतहाई कम है, वो एक उसका उसका भी मैं इस पर थोड़ा सा और भी जब डिटेल बताऊंगा कि उसका जो ड्रॉपलेट है उसका कितना साइज होना चाहिए, इसका उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, ठीक वो है सब बड़ा क्लियर हो जाएगा ठीक आपको है। कि ये फैलता कैसे, वो उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अभी हम रेशो की बात करें तो 10 लोगों को फैलेगा, वो 10 लोग भी अपने आप को भी हेल्दी फील करेंगे लेकिन वायरस चला गया उनके अंदर, वो भी आगे 10 लोगों को स्प्रेड करेंगे पर डे, तो 10 by 10 is 100। अब वो 100 लोगों में चला गया, अब वो 100 लोग भी घूम फिर रहे हैं, वो भी 10 को देंगे तो 1000। सो इट्स चेन रिएक्शन, आपको यहाँ ये समझना चाहिए दिस इज अ चेन रिएक्शन, और ये वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बड़े कम वक्त में एक आदमी से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फैलता है। ठीक हो गया। अच्छा अब एक तो ये चीज होगी, दूसरा अब ये फैलता कैसे, जैसे हमें कहा पता है कि जी ये इसमें जब सिम्टम आ गए सारी चीजें, आप आदमी कफ है, स्नीजिंग है, जैसे हम हैंड शेक से मना कर रहे हैं या हम कहते हैं गले में मिले करीब ना जाए, सांस जो आदमी ले रहा है, वाइट, ये सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज जो आया, डिस्टेंस आप करें कि आप एक दूसरे से काफी फासले पर रहे, नंबर 1 इसी से आया। इसको आप ये कहेंगे जब एक आदमी खांसता है, ये COVID-19 का जो या कोरोना वायरस का पेशेंट इन्फेक्टेड, तो एक कफ में एक बार अगर उसने कफ किया सामने तो उसमें 3000 के करीब ड्रॉपलेट्स होंगे, छोटे छोटे बारीक, बिल्कुल माइक्रो, 1.5 माइक्रोमीटर के कतरे होंगे आपके लोग, बिल्कुल बारीक से, यानी कि वो आंखों से नहीं दिखते, ठीक है बट 3000 के करीब, जब एक बार वो कफ करते तो 3000 के करीब होंगे जो स्प्रेड करेगा वो। बिल्कुल अब इंटरेस्टिंगली उसने खांस दिया, और इंटरेस्टिंग क्या है कि ये 1.5 से 3 घंटे तक हवा में रहते हैं। अब आप खांस के, अब आपने खांसा इन्फेक्टेड आदमी ने और चला गया, ठीक है यू गॉट मी, अभी उस एरिया में 1.5 से 3 घंटे रह रहे हैं, अब आप आ गए, अब आपके उस हाथ से लग गए हैं, आपने इनहेल कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही। कैन गेट इन्फेक्टेड, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जब हम बात करते हैं कि फिर ये अब कितनी कितनी देर, कल आप क्वेश्चन था कि ये कितनी कितनी देर कितनी सरफेसेस पे स्टे करता है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, मतलब ये हाथों तकरीबन पे, 3 ग्लास घंटे से पे, लेकर मेटल पे। 72 हाँ 3 घंटे से लेकर कोई 72 घंटे तक इसकी ड्यूरेशन है डिफरेंट सर्फिस पे। सबसे ज्यादा इसका स्टे प्लास्टिक
और उस तरह के जो मटेरियल हैं। अब ये मैं ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कार्डबोर्ड पे कोई 24 घंटे हैं, मेटल पे कोई 6 है, इसी तरह हाथ पे भी आप लगा लें तो 3 to 6 आवर है इसकी ड्यूरेशन जो चल रही होती है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सबके हाथों में पकड़ होता है मोबाइल, बिल्कुल यू नो व्हेन वी मूव अराउंड हम सबके हाथों में क्या है, मोबाइल। मोबाइल अब आपके हाथ में हो सकता है वो 6 घंटे तक रहा या नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा ये जो बाकी मेटल है या ग्लास है इसके ऊपर कोई 3 3 दिन तक रह सकता है। बिल्कुल सो डेंजर लाइज देयर, क्योंकि हम आजकल घूम रहे होते हैं गैजेट्स के साथ, वॉचेज हैं आपके, हेडफोन्स हैं या आपका मोबाइल है, आप जब मूव कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके रिस्क फैक्टर्स हैं इस वक्त, क्योंकि इनके ऊपर वो ज्यादा देर रहता है एज कम्पेयर टू बाकी जगहों के मुकाबले। ठीक है एक तो इसकी ये सिचुएशन हो गई कि ये कितनी देर रहता है, कितना ही हो गया, फिर इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसके सिम्टम्स वगैरह क्या आते हैं, आप इन्फेक्टेड हो गए या बल्कि इससे पहले भी आप आ जाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्रिकॉशंस, अब ये स्टेज आ रही है कि जी आपको ये पता है कि यार ये अगर एक आदमी कफ कर रहा है मुझे वो कर सकता है, टच कर रहा है ये मुझे आ सकता है मेरे हाथ पे या मेरे फोन पे कितनी देर रह सकते, तो आप मैयर्स क्या ले सकते हैं कि आपको ये इन्फेक्ट ही ना करें, ठीक है। प्रिकॉशनरी मेजर्स सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मूव अराउंड कर रहे हैं बाहर तो अच्छा, बहुत सारे इस पे भी दो तरह की थ्योरी है, आप मास्क पहने या ना पहने, मेरा ख्याल है कि अच्छा क्या आप पहने, वो आए मुझे नहीं पता कि जहां से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पहले कोई छीन के गया कि नहीं गया, ठीक है कफ करके गया कि नहीं गया, ठीक ठीक है है। क्योंकि बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं यार जिसको इन्फेक्शन है वही मास्क पहने, स्प्रेड नो, बट एक आदमी ने जिसको इन्फेक्शन था और उसने मास्क नहीं पहना था वो कफ करके चला गया और मैं जस्ट 15 मिनट बाद उस एरिया से गुजर रहा हूँ। सही सो इट्स बेटर टू बी प्रोटेक्टेड कि आप मास्क पहन के जब आप बाहर मूव कर रहे हो, नंबर वन। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि नंबर टू मास्क जो हैं वो कौन से वाले, ये जो इसके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा आया था कि सिंपल सिंपल मास्क नहीं नहीं चलेंगे। सिंपल, कोई स्पेसिफिक आपको नहीं, इसमें N95 मास्क आपने नहीं यूज करने, आपने बाकी कोई जो प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं डॉक्टर्स के या बाकी कोई चीज नहीं यूज करनी, जस्ट सिंपल सर्जिकल जो पाकिस्तान में 5, 10, 35, 30, 40 रुपए वाला सर्जिकल या सादा मास्क कहते हैं वो यूज करें, ठीक है ओके। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा ये है कि ये बाहर जब आप निकल रहे हैं, मैं उस वक्त स्पेशल मार्केट गए या पब्लिक आप जो जॉब कर रहे हैं या आप किसी हॉस्पिटल गए हैं तो मास्क यूज करें, यू नेवर नो के सराउंडिंग में कौन है। दूसरा ये है कि जब आप बाहर जा रहे हैं, मसलन शॉपिंग मॉल गए हैं, मार्केट गए हैं, डॉक्टर किसी हॉस्पिटल गए हैं, तो आपका हाथ डिफरेंट सर्विसेज पे टच हो रहा है। अब हो सकता है एक आदमी ने वहां पर कफ किया है या स्नीज किया है, किसी भी मेटल वाली सरफेस पे है, लिफ्ट का आपने बटन दबाया, स्टेयर केस बेसिकली सीढ़ियां जो होती हैं जिनके ऊपर आप हाथ रख देते हैं और वो चाहे एक्सीलेटर हो चाहे स्टेटिक स्टेयर हो तो आपका हाथ उसके ऊपर टच हो जाता है, बिल्कुल तो वो आपने आपके हाथ पे लग जाएगा। सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने हैंड वॉश करना है जब भी आपको, जहां भी आपको मौका मिले। अब यहाँ पर भी दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी सैनिटाइजर वर्सेस सिंपल सोप या क्या करना बिल्कुल चाहिए। बेसिकली कोरोना की जो फैमिली है, कोरोना वायरस है, लेकिन जो सैनिटाइजर है नॉर्मली वो बैक्टीरिया किलर होते हैं, इस वायरस को खत्म नहीं करते बट एक फायदा जरूर करते हैं अगर आप सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं, ये इसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं, यानी उसे थोड़ा कमजोर कर देंगे, मारेंगे नहीं, दे कैन नॉट किल, बट उससे सादा आसान हल ये कि आम आदमी को मुश्किल में ना डाला जाए। अगर आप अच्छे से हाथ, आपने आजकल वीडियो देख ली होंगी कैसे कैसे उसको वॉश करना, 20 to 30 सेकेंड सिंपल सोप से वॉश कर लें, ये वायरस वॉश हो जाएगा, ठीक यानी है बिल्कुल ही चला जाएगा। ये वायरस सबसे इंपॉर्टेंट आपके हाथ में पेनिट्रेट नहीं कर सकता, सही है इट इट कैन नॉट पेनिट्रेट इन योर स्किन, ठीक हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप पानी से अच्छी तरह धो लें अगर आप बाहर गए आके वॉश कर लें। दूसरी इसकी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अगर बाहर गए, और ये हम सारी चीजें वो बता रहे हैं जो आदमी बाहर गया होगा और बिल्कुल बाहर से वापस आ रहा है, ठीक है, इस चीज को रखते हुए कर रहे हैं, अभी हम आइसोलेशन और उस चीज में नहीं गए हुए, अभी हम सारे मैयर्स वो ले रहे हैं कि आदमी बाहर घूम रहा है, काम से गया, किसी भी चीज से गया, वापस आ रहा है, उसे क्या ख्याल करना चाहिए। सेकेंड, आपको पता है, मुझे पता है कि तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस जो है ना हीट सेंसिटिव है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लोग ये समझते हैं कि गर्मियां आएंगी 25, 26 डिग्री, 30, 40 होगा तो ये मर जाएगा, ऐसा नहीं है, अच्छा नो, ठीक है इसके लिए 56 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, देन इट विल बी किल्ड। ठीक हो गया। बट यहाँ एक बट है, जब हम कहते हैं कि आप स्टीम लें या
हॉट ड्रायर से, अगर स्टीम है तो हॉट ड्रायर से आप ब्लो करें। ये करता क्या है बेसिकली कि ये मैंने बताया बैक्टीरिया और दोनों वायरसेस, ये हीट सेंसिटिव जब हम बात करते हैं ना, ये कमजोर पड़ जाते हैं, यानी इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अगर आप इनको जितना ठंड मिलेगी उतना ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें करेक्ट इख्तियार, जब आप घर वापस आए आप एक बार जरूर स्टीम ले लें। दूसरा कोल्ड ड्रिंक्स, यहाँ पर जब हम बात करें ठंडी ठंडी चीजें, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें इस वक्त। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत सारे लोगों का वही वाली बात है, गर्मी का तो कह देंगे शायद आपने कहीं और भी सुना, पर कोई ये नहीं बताता यार ठंडी चीज ना खाना क्यों। अब वो बताते जब आप इनहेल करके तो आपकी ये नाक या मुंह के रास्ते अंदर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी जो पेनिट्रेशन पॉइंट है वो आपका नोज या आपका माउथ है, ठीक है। इसके अंदर की जो स्किन एपिथेलियल सेल्स कहते हैं वो नॉर्मल स्किन के मुकाबले, जो नॉर्मल स्किन है बहुत टफ होती है, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। जो अंदर वाली हमारे नाक के अंदर स्किन है और माउथ के अंदर स्किन है, जो लेयर है वो बड़ी पतली होती है, तो उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। तो आप जब स्टीम लेते हैं तो इसको उसी स्पॉट पे कि अंदर अभी ब्लड सप्लाई में जाए, आप जाके अपने लंग्स में या कहीं आपके गले में अपना घर बनाए, उस स्टेज पे ही जब अगर आप स्टीम ले लेंगे तो ये वीक हो जाएगा, इट विल नॉट बी केपेबल टू डैमेज यू बहुत ज्यादा तरीके से वो कर सके, ठीक है। अब आपने देखे मैयर्स लिए, सबसे पहले आपने कहा कि आप बाहर जा रहे हैं मास्क पहने, वापस आए आपने हैंड वॉश किया, आपने स्टीम ले ली, अच्छा। इसके अलावा अब आप सोशल लेवल पे चले जाएं, जो हम कह रहे हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग करें। अब साधा लफ्ज़ में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है, WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर दो आदमी है, मसलन हमें क्यू में खड़े, बैंकिंग क्यू है, हॉस्पिटल क्यू है, इट्स अ सिनेमा क्यू, कोई भी है, तो आप दोनों के बीच में 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है उसको दो तरह से आप समझें। एक ये है कि आप अगर बाहर हैं तो लोगों से फासले पर रहें, ठीक है, ठीक है। दूसरा, लोगों से फासले पर रहने का मतलब ये है कि अब आप अपने आप को आइसोलेट करें, लोगों से मिले नहीं, सही हो गया। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, जब हम आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। एक ये आप रश वाले लीन है तो चिमट चिमट के, चिपक चिपक के ना खड़े, सही हो गया, जैसा लोगों में होता है, हाँ हाँ गैप दें। दूसरा ये कि आप घरों में जब आप अपने घर में हो और कोशिश करें स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों से कहें यार के अब इस पीरियड में मेरे घर मेहमान बन के ना आए, बिल्कुल ऐसे ही किसी के घर जाए ना आपके घर में जाए, माइंड करने की कोई बात नहीं है। तो आपके घर में जो 3, 4, 5, 6 लोग रह रहे हैं वही है, वो एक दूसरे के साथ है, और आपको ये पता होगा उसमें भी अब ये कर लें इस पीरियड में जो हम इस चीज की अभी जो लॉकडाउन की बात हो रही है या इसका फायदा क्या होगा, इसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। जो 5-6 लोग उनमें से कोई एक आदमी मुख्तस कर लेंगे जो शॉपिंग कर रहा हो एक दो हफ्ते के लिए, मतलब हर बार हर नया आदमी जाके एक्सपोज ना हो, ठीक है। कोशिश ही होनी चाहिए, आइडियली कोशिश ही होनी चाहिए, सही हो गया। मजबूरी है, मेडिकल इमरजेंसी समथिंग डिफरेंट, मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि एक ही आदमी है जो बार बार जा रहा है एक्सपोज हो रहा है, वो आके अपने प्रिकॉशनरी मेजर ले रहा है। उसकी रीजन है कि मसलन आपके घर में कोई एजड आदमी है 50-60 से अबव है, वो मार्केट चला गया, वो अगर इन्फेक्शन लेके आ गया तो उसका एक अलग सिचुएशन होगी, एक यंग आदमी जा रहा है तो उसकी एक अलग सिचुएशन, हम आगे जाके देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो ये छोटी छोटी सी मैयर है, इसमें प्रिकॉशनरी मैयर दुनिया में जैसे मैंने इसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट्स नहीं है, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, तो आपने ये अगर एहतियाती मैयर्स ले ली हैं, और सबसे आइडली क्या है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करें और आइसोलेशन सेल्फ आइसोलेशन है आइडियल है, आपको कॉन्टेक्ट ही नहीं और आप कहीं जा ही नहीं रहे, वो वायरस आपको कहाँ से टच होगा, बिल्कुल ऐसे ही चांस ही खत्म हो गया, चांस खत्म हो गया। सो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके सिम्टम्स, अगर हो गया इन्फेक्टेड हो गए आप, सिम्टम इसका जो है नॉर्मली जैसे इनका फ्लू से मिलते हैं फिर अल्टीमेटली न्यूमोनिया में, तो आता क्या है सबसे पहले आप याद रखें कि फीवर, और इसमें हाई ग्रेड का फीवर होता है। फिर ये आपको क्या करेगा कि आपका सोर थ्रोट हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, फिर आपका न्यूमोनिया, सीने में दर्द, जकड़न, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत और आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। यानी आपने अगर कुछ वीडियो देखी ना सोशल मीडिया पर तो वो लग रहा है जैसे फड़क रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उनका लंग्स पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा, छोटा सा हिस्सा जो लंग्स काम कर रहा है तो वो जल्दी 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 सांस लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली, और इसका टेस्ट भी है, यानी मसलन अभी आपसे मैं कहूँ कि आप सांस रोकें जरा, तो आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं, मतलब 30 सेकेंड, मिनट, हाँ इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना होगा। वो वाला जो
पेशेंट होगा उसे जब मैं कहूंगा ना रोको तो 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक सकते।